नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि भौतिक सामान के प्रति अपनी आसक्ति कैसे ख़त्म की जाए, जिससे मरते वक्त हमारे अंदर कोई भी आसक्ति ना रहे भौतिक सामान के प्रति, और हमारी आत्मा अपने आप में यूं कह लीजिए एक फ्री सोल की तरह रहे और ईश्वर तक जाने में उसको मदद मिले। क्योंकि अक्सर दोस्तों देखा गया है कि आसक्ति के कारण ही प्रेत योनि में जगह मिलती है, क्योंकि हम इस भौतिक सामान से, इस दुनियादारी से, लोगों से, किसी से भी जो अपना वो जो जुड़ाव है वो नहीं छोड़ना चाहते। और ख़ासकर प्रेत आत्माओं की अगर मैं बात करूं तो प्रेत आत्माएं क्या करती हैं? भोजन के लिए, संभोग के लिए, झूठी शान के लिए, जगह के लालच के लिए, कपड़ों के लिए, ना जाने कितने चीज़ों के लिए, जिनको आप वो इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, उसके बावजूद उस आसक्ति के चलते उसी जगह पे पड़ी रहती हैं, उन्हीं सामानों के लुभाव में पड़ी रहती हैं। भोजन के लालच में इंसानों को तंग करती हैं, संभोग के लालच में उन्हें तंग करती हैं। तो यहाँ आसक्ति का बहुत बड़ा एक रोल प्ले होता है जो उन्हें आगे जाने नहीं देता। जिनका भी सवाल था उन्हें भी जवाब मिल जाएगा, और बाकी लोग भी इससे बहुत हद तक एक अपने जीवन को बदल पाएंगे। दोस्तों, कोई भी चीज़ जीवन में जब बहुत ज़्यादा होती है तो वो नुकसान करती है, और बहुत कम होती है तो हमें लगता है कि हमारे पास कुछ है नहीं। आसक्ति एक अटैचमेंट, एक ज़िद बन जाती है किसी भी चीज़ को पाने की, और किसी भी चीज़ के अपनी ज़िंदगी में होने की, चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई झूठी शान है। अब अगर हम बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कपड़ों की बात करते हैं, आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं और इसके बावजूद आपके मन में एक लालच उत्पन्न होता रहता है, एक लस्ट उत्पन्न होती रहती है कि मुझे और कपड़े लाने हैं, मुझे और कपड़े लाने हैं। आपकी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है और आपको यही नहीं पता कि कौन सा कपड़ा आप पहन सकते हैं, कौन सा निकाल सकते हैं। एक कपड़े का नंबर भी यूं कह लीजिए 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीने में एक बार ही आता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास, अगर हम कपड़ों की बात करें, तो वो भौतिक वस्तु बहुत ज़्यादा है। अब इसके बावजूद जब आपको आसक्ति हो रही है मुझे और कपड़े लाने हैं, तो यहाँ आपको रुकना सीखना होगा। यहाँ आपको समझना होगा कि जो मेरे पास ये हैं, मैं इन्हीं को एक बारी सारा अपना वार्डरोब ट्राई करके देख लूँ, हर दिन एक नया कपड़ा ट्राई करके देख लूँ, जिससे मैं इस बात को समझ सकूँ कि मेरे पास ऑलरेडी इनफ है। और अगर आपके पास कम कपड़े भी हैं तो उन्हीं कपड़ों को पहन के भी खुश होना, सुकून महसूस करना, कंफर्टेबल महसूस करना, अपने आप को कंपेयर दूसरे से ना करना कि भाई इसके कपड़े तो ज़्यादा बढ़िया हैं या इसके पास और भी तरीके के कपड़े हैं, मेरे पास यही हैं, इस भावना को अपने अंदर अवतरित ना होने देना ही एक पड़ाव है आसक्ति की तरफ ना बढ़ने का। हम क्यों अपने अंदर, हमारे अंदर आसक्ति पैदा होती है, क्यों? जलन के कारण भी पैदा होती है। हमारे पास एक पर्टिकुलर गाड़ी है, हम उससे जहाँ भी जाने हैं जा सकते हैं, पर सामने वाले के पास बढ़िया गाड़ी है तो हमारे अंदर एक जलन पैदा होती है। फिर हम कहते हैं कि नहीं, हमें इससे ज़्यादा बढ़िया गाड़ी चाहिए या ऐसी ही गाड़ी चाहिए, तो हमें उसी गाड़ी से नफरत होने लगती है जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो हमारा काम अच्छे से चला रही है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, खूब बढ़िया चल रही है। पर जस्ट बिकॉज दूसरे के पास बेटर गाड़ी है, ज़्यादा महंगी गाड़ी है, तो हमें अपनी उस गाड़ी की वैल्यू नहीं एहसास होता, उसकी कीमत का एहसास नहीं होता, हालांकि वो हमारे खुद की मेहनत से, हार्ड अर्न मनी से खरीदी गई है और हमारी चादर के हिसाब से है वो। तब भी हम उस चीज़ को ना सोचते हुए सिर्फ दूसरे की बढ़िया गाड़ी देख के ईगो करके जलनवश इसी भावना में बह जाते हैं कि नहीं, अब हमें कैसे भी करके दूसरी गाड़ी लानी है, और वहाँ आसक्ति आ जाती है भौतिक चीज़ों में। एक पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे गाड़ी हुई तो उसमें आसक्ति बढ़ गई, और इसी तरीके से सिलसिला बढ़ता ही चला गया। अगर आप उस टाइम ये अपने आप को समझा लो कि नहीं, जो मेरी गाड़ी है, जो मेरा मेन पर्पस क्या है, एक जगह से दूसरी जगह वक्त पे पहुंचना, मेरी ये गाड़ी बढ़िया चल रही है, मैं इसमें जो जितना मैं अफोर्ड कर सकता था उस हिसाब से मैंने बहुत बढ़िया चीज़ ले ली है, मैं इसमें आराम से जाता हूँ, कंफर्टेबल हूँ, मुझे आज तक इसने कोई परेशानी नहीं दी, और मुझे उससे दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अपने से लेना देना है, अपने कंफर्ट लेवल से जो मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ में मिल रहा है, चाहे ये मेरी गाड़ी लाखों की है, चाहे मेरी गाड़ी कितनी महंगी है, चाहे कितनी सस्ती है, चाहे छोटी है, चाहे बड़ी है, आई एम हैप्पी विद इट। तो यहाँ आपके अंदर ये कंटेंटमेंट फीलिंग आ जाएगी तो आपकी आसक्ति ख़त्म होने लगेगी। आपके अंदर वो जो उल्टी सीधी भावना है, एक क्वेस्ट है
कि नहीं मुझे और चाहिए और चाहिए, वो भूख ख़त्म होने लगेगी। अगर हम भोजन की भी बात करें, आपने खाना खा लिया, आपका पेट भर गया, डकार आ गई, उसके बावजूद भी आपका मन नहीं भरा, उसके बाद भी आप उस भोजन के प्रति आगे बढ़े कि भाई मुझे मिठाई की और डली खानी है या मुझे थोड़ा सा और लेना है, तो यहाँ आपने अपनी आसक्ति उस भोजन के प्रति बढ़ा दी, आपके पेट में जगह नहीं है, आपको आपने डकार ले लिए, आपको हैवी महसूस हो रहा है, उसके बाद भी आप उस और खाना अपनी प्लेट में डालते हो, यहाँ आप आसक्ति को जन्म देते हो। अगर उसी टाइम आप ये एहसास करो कि नहीं, जो मुझे मिल गया है वो बहुत है, अगर आपका एक मिनट के लिए भी मान लिया जाए पेट नहीं भरा, कम भरा है, तो भी आप ये कहो कि भाई ये माइंड सेट रखो, नहीं जो ये मिला है आज के लिए इतना बेटर है, काफ़ी है, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा खाऊंगा तो शायद मेरा शरीर ख़राब हो जाए, तबीयत ख़राब हो जाए या मुझे अच्छा फील ना हो, तो ये जो है बहुत अच्छा फील हो रहा है, कम खा के भी लाइट फील हो रहा है, बहुत बेटर फील हो रहा है। इस तरीके से पॉजिटिव माइंड सेट बनाएंगे तो धीरे धीरे आसक्ति ख़त्म होने लगेगी। हर इंसान की किसी ना किसी चीज़ों में आसक्ति होती है, किसी की भोजन में, किसी की कपड़ों में, किसी की दिखावे में, किसी की इस बात में कि हर कोई हमार को हमारी इज्जत करे, हमको बुलाए, हमारी वाहवाही करे, हमारी तारीफ़ करे। कोई तारीफ़ नहीं करता तो बुरा मान जाते हैं, कोई झोली चुक्की नहीं करता तो बुरा मान जाते हैं और उसको अपना शत्रु बना लेते हैं। तो उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि आप ऐसा काम कीजिए ना कि बंदा आपके कहे बगैर मजबूर हो जाए आपकी इज्जत करने के लिए, और खाली आपका अपना जानकारी नहीं, आपका विरोधी तक आपकी तारीफ़ करे बगैर ना रह पाए। अपने आपको ऐसा काबिल बनाइए ना, क्योंकि इज्जत करवाई नहीं जाती, अपने आप ये अर्न की जाती है, ये कमाई जाती है। तो इस बात को समझिए ना, तो आप जब खुद के लिए या दूसरों के लिए कुछ अच्छा करोगे, खुद के लिए तो सब करते हैं, जब दूसरों के लिए भी करोगे तो अपने आप इज्जत के हकदार बन जाओगे। तो यहाँ भी जो आसक्ति होती है कि हमारे को पूछा क्यों नहीं। अब अगर हम प्रेत योनि की बात करें, आत्माएं इन्हीं आसक्ति के कारण, अब जैसे पितर हैं, नाराज बैठे हैं, हमें पूछा नहीं, हमसे पूछे बगैर ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, कहाँ जब हम जिंदा थे हमारे लिए ये बात मानते थे, वो मानते थे, अब मान नहीं रहे, अब देखो ऐसा हो रहा है, अब हम इन्हें दंड देंगे। तो यहाँ आसक्ति थी अपने आप को पुजवाने की, अपने मान सम्मान की, अपनी तारीफ़ों की, अपनी रिस्पेक्ट की, वो आसक्ति बढ़ते बढ़ते प्रेत योनि तक खिंचती चली गई, जो प्रेत योनि में उनको वहीं डिगाए हुए है, पितर बन के भी प्रेतों वाली हरकतें करने पर मजबूर कर देती है। अब इसी तरीके से प्रेत आत्माएं आसक्ति के कारण पड़ी हैं प्रेत योनि में, भोजन चाहिए, शरीर पकड़ा हुआ है, छोड़ ही नहीं रहे क्योंकि खाना मिल रहा है, मीट मांस शराब की आसक्ति, शरीर के माध्यम से उसका आनंद ले रहे हैं, किसी और के पराये शरीर पर बैठे हुए हैं, जगह की आसक्ति, ऐसे बहुत प्रेत हैं जो किसी जगह के स्थान देवता बने हुए होते हैं या किसी पुराने मकान के मालिक होते हैं, उस मकान को नहीं छोड़ना चाहते। तुमने शरीर त्याग दिया, तुम भौतिक रूप से आप प्रेजेंट नहीं हो, अब कोई और आया है उसको रहने दो चैन से, पर नहीं, आसक्ति है, मेरा मकान था और चाहे वो 100 साल पुराना था तो भी आसक्ति बनी हुई है, नहीं मैंने तो यहीं रहना है, और वही आसक्ति उन्हें वहाँ पे टिकाए रखती है। उनके अंदर ये रियलाइजेशन है ही नहीं कि अब हमारा जो पड़ाव है आगे बढ़ने की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, हम पास्ट में जी के क्या करेंगे जब हमारे पास शरीर ही नहीं है, क्यों हम किसी को तंग कर रहे हैं, अगर हम किसी को तंग ना करें, ईश्वर के तरफ जाएं तो हो सकता है हमारा उद्धार हो जाए। पर ये भावना क्यों नहीं है, क्योंकि जीते जी ये भावना उत्पन्न नहीं होने दी। हम लोगों को ट्रेन ही इस हिसाब से किया जाता है शुरू से, अपब्रिंगिंग ही हम सबकी इस तरीके से होती है स्कूल्स में कॉलेजेस में, कि सिर्फ पाना है पाना है पाना है, पैसा कमाना है, उससे अच्छी नौकरी लेनी है, अच्छा काम करना है, हमारे पास ये भी हो, हमारे पास वो भी हो, बढ़िया गाड़ी हो, बंगला हो, कपड़े हो, नौकर चाकर हो, हर तरीके की लग्जरी हो, हर चीज़ हो, पाने की तरफ हमारे को ट्रेन किया जाता है। इसी वजह से हमारा संपूर्ण जीवन चीज़ों को पाने में ही लगा रहता है, ये जानते हुए भी कि ये सभी चीज़ें यहीं रह जानी हैं और सिर्फ हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे जो हमारी आत्मा के लिए एक नए प्रारब्ध, एक नए जन्म, एक नई योनि का निर्माण करेंगे, जहाँ पे ये चीज़ें तो साथ होंगी ही नहीं। पर इन चीज़ों को अर्जित करने के लिए, पाने के लिए किए हुए उन बुरे कर्मों की सज़ा होगी, ये कोई नहीं सिखाता। तो यही जो हमारी जो ट्रेनिंग है कि चीज़ों को पाने की ना, और हमें कोई ट्रेन नहीं करता कि देना भी सीखो, मदद करना सीखो, दान करना सीखो, चीज़ों के प्रति अपनी आसक्ति कम करना सीखो, संतोष रहो, जिसमें जो मिल गया उसमें सेटिस्फाई होना सीखो, कम में सेटिस्फाई होना सीखो, वो कोई नहीं सिखाता।
और इसी कारण से इंसान का पूरा जो जीवन है ये संघर्ष से भरा हुआ है। उसकी ख्वाहिशें इतनी ज़्यादा हैं जो हर दिन बनती रहती हैं, पलती रहती हैं, और उनसे ऐसा नाता जोड़ लेते हैं भौतिक सामानों से कि उनके बगैर ना जीते जी रह पाते हैं ना मरे पीछे। तो इसीलिए आसक्ति को ख़त्म करना है दोस्त, और आप सभी से यही कहूँगा कि जो भी आपके पास है उसमें कंटेंटेड होना सीखिए। कोई चीज़ बिल्कुल ही यूजेबल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वो फेंकी जाएगी, उसके बदले नहीं आएगी। बट इफ़ यू हैव इनफ ऑफ समथिंग, प्लेंटी ऑफ समथिंग, देन उसमें अपने आप को सेटिस्फाई करना सीखिए, और कम में भी सही वक्त का इंतज़ार कीजिए, और जब आपके पास वो मौका हो, वो रिसोर्सेज हो, वो मीन्स हो, वो फाइनेंशियल स्टैंडिंग हो, तब आप हर वो अपना शौक कीजिए, पर उसको दूसरे को शो करने के लिए मत कीजिए। अगर वाकई में उस चीज़ के प्रति आपका मन है तो उसको लीजिए, सिर्फ दिखावे के लिए मत लीजिए। कोई भी चीज़ दिखावे के लिए खरीदी जाती है तो वो आसक्ति को जन्म देती है, और यहाँ पे आपको वो खुशी नहीं मिलती, उस चीज़ को पाने की खुशी नहीं होती, सिर्फ उसको दिखाने की खुशी होती है। अगर आप सही मायने में चीज़ों का इस्तेमाल समझेंगे कि गाड़ी का इस्तेमाल है सिर्फ वहाँ तक जाना, कपड़ों का इस्तेमाल है सिर्फ तन ढकना, भोजन का इस्तेमाल है सिर्फ पेट भरना, तारीफ जो है अगर कोई मेरी करता है तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो, मेरे को कोई मान दे रहा है तो उसको नमस्कार, अगर इस तरीके से अपने आप को विनम्र बना के चलेंगे, सहनशील बना के चलेंगे, चीज़ों के प्रति ललायित नहीं होंगे, तो अपने आप आपकी आसक्ति कम होने लगेगी, जो आपको आगे वाले पड़ाव में मदद करेगी। प्रेत योनि में रह अगर आपको जाना भी पड़ा तो उसमें भी आपकी आत्मा एक अच्छी आत्मा के तौर पे मानी जाएगी, और आगे चल के आपकी आगे की योनि बहुत सुखद होगी, सुंदर होगी, अगला जन्म बेहतर होगा। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी संपूर्ण जीवन बचा हुआ है, तो इसमें जितना भी आपके पास जीवन है इसमें धीरे धीरे अपनी आसक्ति को ख़त्म कीजिए, कम कीजिए, ओनली बिकॉज़ अगर आप करना चाहते हैं तो। ये नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आपने काम करना ही है, ये हर इंसान के विवेक की बात होती है कि वो आया इस जीवन में क्या करने के लिए आया है, कितना वो ईश्वर के करीब है, कितना वो भगवान के प्रति सीरियस है, कितना वो अपने कर्मों के प्रति सीरियस है। तो हर इंसान का विवेक जो उसे कहता है वो वही करता है। तो अपनी आसक्ति ख़त्म करेंगे तो बहुत सी मटेरियल अटैचमेंट से आप बच पाएंगे, दूर रह पाएंगे, और जो हम कहते हैं सही स्टेट ऑफ निर्वाणा, द स्टेट ऑफ मोक्षा, वो जीते जी भी प्राप्त करने की कोशिश आपकी अभी से शुरू हो जाएगी, और आपको वैसी फीलिंग भी आने लगेगी, और आगे चल के जब आपकी आत्मा आज़ाद होगी शरीर से तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ अच्छा पड़ाव ज़रूर मिलेगा जहाँ आपकी आत्मा फ्री सोल होगी और कहीं ना कहीं एक अच्छी योनि को प्राप्त होगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी इस आध्यात्मिक टॉपिक पे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया की जानकारी मिलती रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं, टोने टोटके हो गए हैं, घर में ब्रह्म राक्षस है, जिंद का साया है, कोई भी आपके घर में तांत्रिक अभिक्रम करता है, कोई भी दुश्मन है आपके, तो हर तरीके की परेशानी दूर दूर होने वाली है मेरी धुनी से। आप सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी मंगवाइए, प्लैटिनम धुनी मंगवाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम धुनी मंगवाइए, कोई सी भी आप धुनी मंगवाइए, आपको रिजल्ट्स कमाल के मिलने वाले हैं। आपकी हर प्रॉब्लम दूर होने वाली है, नेगेटिविटी दूर होने वाली है, नेगेटिव एनर्जी दूर होने वाली है, हाई नज़र टोने टोटके सब दूर होंगे, साथ में रुके हुए काम बनेंगे, हर तरीके से जीवन में मंगल होना शुरू हो जाएगा। हज़ारों लोगों की ज़िंदगी मेरी धुनी से बदली है, आपकी भी बदलेगी। आज ही घर बैठे मंगाइए और अपने जीवन को सुखद करिए। आप मोबाइल नंबर 8130331007 पर संपर्क करके व्हाट्सएप मैसेज द्वारा या कॉल द्वारा आप इसे मंगा सकते हैं, या मोबाइल नंबर 9625911182 पर कॉल या व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पर जाके भी डायरेक्टली धुनी मंगा सकते हैं, www.pulkitmohansingla.com। आप मेरे से अभिमंत्रित लॉकेट या कवच मंगा के पहन सकते हैं, ये बाकायदा पूजा होके आपके लिए आएगा। जब आप ये कवच और लॉकेट पहनते हैं तो आपकी हमेशा रक्षा होती है, आप कहीं पे भी जाएंगे आपकी रक्षा होगी, आप धुनी नहीं भी कर पा रहे तो भी आपकी रक्षा होगी हर तरीके की प्रेत बाधा से, हर तरीके की नेगेटिव एनर्जी से, हर तरीके के टोने टोटकों का असर आप पे नहीं होगा। इसके अलावा आप पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में मुझसे फ़ोन पे बातें कर सकते हैं, साथ ही साथ रेमेडीज़ ले सकते हैं, आप अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, मुझसे अपने ग्रहों के उपाय भी करवा सकते हैं। सभी कामों के लिए जो आपको मैंने नंबर बताए इन पे कॉल कीजिए और या व्हाट्सएप कीजिए, आप ईमेल भी कर सकते हैं अपनी कोई परेशानी लिख के मुझे डायरेक्टली, मैं उस पर भी आपको जवाब दे दूँगा। दोस्तों साथ में ये कहूँगा, मेरा दूसरा चैनल सोशल ज्ञान बाय पुलकित भी सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए सोशल ज्ञान बाय पुलकित, आपको कमाल की मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगी।
मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।